अचानक आपको पूर्णता महसूस होगी, बस इसीलिए कि आपकी आभा शुद्ध हो गई है। पानी को शुद्ध करने के कई तरीके हैं। कम से कम पीने के पानी को ऐसे शुद्ध करना चाहिए कि उसमें रासायनिक जहर ना हो। आपके आकाशीय आयाम की सफाई करने का एक तरीका है। किसी बिंदु पर आप अचानक एक स्वतंत्रता या एक तरह की मुक्ति महसूस करेंगे। आभा की सफाई के लिए समुद्री हवा या एक पर्वत के शिखर की चोटी हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि वहां कम से कम हवा हलचल के साथ आ रही है। ये एक सपाट सतह से होते हुए आ रही है, उसमें कोई अशांति नहीं है। अशांति से मेरा मतलब है, अगर आप पानी में जाती नाव को देखें तो वो पीछे एक लहर छोड़ते हुए जाती है। शुरू में आप उसे देख सकते हैं, कुछ समय बाद वो नहीं दिखती, लेकिन अगर आप दूसरी नाव के साथ उसे पार करें तो नाव डगमगा जाएगी, क्योंकि वो लहर अभी भी मौजूद है। तो जब हवा जमीन की सतह पर बहती है, खासकर शहरों में जहां कई तरह की रुकावटें होती हैं, वहां हवा में लहरें बहुत पैदा होती हैं। उन्हें लहरें कहने की बजाय ये कहें कि काफी अशांति पैदा होती है, वो हवा ज्यादा मददगार नहीं होती। पर अगर आप समुद्र तट पर बैठें, मान लीजिए उस दिन लगातार हवाएं चल रही हों, चक्रवात नहीं, आप वहां बैठकर घर आएं, तो अचानक आपको लगेगा ये जीवन भी क्या चीज है। आप बस वहीं रहना चाहते हैं, अचानक आप फोन या मेल को नहीं देखना चाहते। आप पूर्ण महसूस करते हैं सिर्फ इसीलिए कि आपकी आभा शुद्ध हो गई है, आपको वायु ने शुद्ध कर दिया है। सब्जियों को पानी से धोना अच्छा है, पर आप रसायन या केमिकल से भरे पानी से धो रहे हैं। रसायन से भरा पानी से मेरा मतलब है क्लोरीन, जो आप इसमें डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, इस धरती पर जीवन की प्रकृति ऐसी है कि जो एक प्राणी के लिए जहर है वो दूसरे प्राणी के लिए भी जहर की तरह ही काम करता है, शायद उसी हद तक नहीं। जो चीज बैक्टीरिया को मारती है वो आपको भी एक तरह से मारती है, क्योंकि आपके शरीर का 52% हिस्सा बैक्टीरिया है। वो आपको भी एक तरह से मारता है, शायद आप मरेंगे नहीं, पर यह आपको मारता है। तो अगर आप क्लोरीन से बैक्टीरिया को मारते हैं तो आप एक तरह से अपने एक हिस्से को भी मारते हैं, पर आपने ये खुद चुना है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में एक जगह रहने लगे हैं, प्रेम की वजह से नहीं, बल्कि लालच, मजबूरी और दूसरी चीजों की वजह से। तो जब लोग एक जगह ऐसे इकट्ठे होते हैं तब कई तरह की मिलावटें होती हैं। इस चीज को रोकने के लिए हम पानी में जहर डालते हैं, क्योंकि उसमें काफी कुछ है, उसे वैसे पीकर शायद आप मर जाएंगे। तो आप मारना चाहते हैं, हर दिन रासायनिक युद्ध हो रहा है, पानी के जीव, शरीर के जीव और आप खुद, सभी लड़ते हैं। आप खुद एक जीव हैं, आप में भी जहर फैल रहा है। तो सब्जी को नल के पानी से धोना सबसे अच्छा नहीं है। अगर नल का पानी क्लोरीन मुक्त है तो धोना ठीक है, वरना इसका बेहतर तरीका है जैसे कि आमतौर पर भारत में करते हैं। आपको यू कांट गेट एनी अदर वाटर एनीवे, इट्स क्लोरिनेटेड वाटर, सो व्हाट कैन यू डू। कोई और पानी नहीं मिल सकता है, पानी में क्लोरीन है ही। तो आप पानी में थोड़ी सी विभूति और हल्दी डालकर सब्जियों को 15-20 मिनट भिगो दें।
ये क्लोरीन वाले पानी से धोने से बेहतर है। आज पानी को शुद्ध करने के कई तरीके हैं, शुद्धिकरण के आधुनिक तरीके हैं, पर वे पब्लिक पानी के लिए नहीं हैं। घरों में अलग अलग तरह के शुद्धिकरण होते हैं जिनसे पानी शुद्ध हो सकता है। कम से कम पीने के पानी को सभी रसायनों से मुक्त करना अच्छा है। तो पानी से धोने की बजाय आप उसमें हल्दी और पवित्र राख डाल सकते हैं। अगर पवित्र राख नहीं है तो आप बस हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ा नमक और हल्दी ठीक रहेगी। या आप नीम डाल सकते हैं। आप घर पर कुछ नीम के पत्ते रख सकते हैं, रोज आप उसी पानी को धो सकते हैं। यही नीम की खूबसूरती है। अगर आपके पास एक बाल्टी है जिसमें नीम है तो आप रोज उसी में सब्जियां डाल सकते हैं और अपनी सब्जियां निकालकर पानी को बंद रख सकते हैं, काम हो जाएगा। धातु का बर्तन सबसे अच्छा है। अगर तांबे या पीतल का कंटेनर हो तो अच्छा है, वरना स्टील का कंटेनर या कांच भी ठीक है। अपने सिस्टम को साफ करने के लिए अग्नि बहुत शक्तिशाली साधन है। आश्रम में हम इसे क्लेश नाशन कहते हैं, जिसका मतलब है सिस्टम की अशुद्धियों को नष्ट करना या जलाना। क्योंकि अगर हम मानव शरीर को समझें तो उसका सबसे बाहरी पहलू आकाश है। लगभग सभी लोगों के आसपास 12 से 18 इंच आकाश होता है। आकाश इस रूप की बनावट का एक जरूरी हिस्सा है। शरीर की शुद्धि इस मायने में जरूरी है कि इसकी शुद्धि बस एक साधारण स्नान या शावर भी एक तरह की शुद्धि है। आप बस त्वचा को धोने के लिए नहाते हैं, पर अगर आप ध्यान दें, खासकर यदि आप ठंडे पानी से नहाएं, तो आप देखेंगे उससे सिर्फ आपकी त्वचा की अशुद्धियां नहीं धुलती हैं, बल्कि ये आपको फिर से जीवंत करता है और आप में से कई चीजें साफ करता है। अगर आपको बहुत तनाव है, अगर आप किसी बात से परेशान हैं, कोई दिक्कत है, तब अगर आप कुछ मिनटों के लिए शावर के नीचे खड़े हो जाएं, तो आपको उन चीजों से एक तरह की राहत मिलेगी। ये सिर्फ ठंडे पानी से शरीर की नसों के शांत होने के कारण नहीं है, वैसा भी जरूर होता है, उसके अलावा देयर इज अ सर्टेन क्लेंसिंग ऑफ द आकाशिक डायमेंशन ऑफ हु यू आर। इससे आपके आकाशीय आयाम की भी सफाई होती है। तो जैसे आप शरीर को पानी से धोते हैं, वैसे ही आप उसे आग से भी धो सकते हैं। ये क्लेश नाशन क्रिया है। अगर इसे करने वाले व्यक्ति को ट्रेनिंग मिली है और वे इसे सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि शुरू में वो सिर्फ आग होगी, पर बाद में आप अचानक महसूस करेंगे कि एक निश्चित आजादी या मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कोई अशुद्धि जो आपसे चिपकी हुई थी वो साफ हो जाती है।